अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। आज हम बनाएंगे वेज मिक्स पालक पनीर। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप नान या रोटी या पूरी के साथ भी खा सकते हो और बच्चे भी ये रेसिपी बहुत ही मज़े से खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वेज पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टमाटो लिया है, 2 पोटैटो लिया है, मटर लिया है, पालक लिया है और 400 ग्राम पनीर लिया है। अभी पहले हमने यहाँ पे ब्लेंडिंग जार लिया है। 2 मीडियम साइज़ ऑनियन को हम कट करके जार में डाल लेंगे। अबे हम जार को क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिना वाटर ऐड किए हम ब्लेंड करेंगे। देखिए इस तरीके का आपको ब्लेंड करना है, दरदरा ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी इसमें वाटर ऐड नहीं करना है जब आप ब्लेंड करोगे तब। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा पैन लिया, उसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा थोड़ा सा पकने लगे उसके बाद हमने इसमें ब्लेंड किया हुआ ऑनियन पेस्ट डाल देंगे। ऑनियन पेस्ट डालने के बाद इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून जिंजर, 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। डालने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑनियन का रॉस मिल जाने तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डाल के हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके जब तक इस मसाले को पकाएंगे तब तक इस मसाले में से तेल सेपरेट ना हो जाए। मसाले में हमने थोड़ा सा वाटर ऐड किया था ताकि मसाला नीचे से जले ना, अच्छे से पक जाए। तो मसाला अच्छे से पक चुका है, मसाले में से तेल सेपरेट होने लगा है। अभी हम इसमें डालेंगे पोटैटो। पोटैटो को हमने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया था। पोटैटो को डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पोटैटो को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे मटर। मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में लिया है पोटैटो और मटर, आपको जो पसंद है वो सब्ज़ी आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने फाइनली चॉप किया हुआ पालक डाल दिया। पालक डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए। चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे ताकि हमारे पोटैटो और मटर अच्छे से कुक हो जाए। 5 मिनट्स के बाद मैंने ओपन करके चेक किया तो इसमें पोटैटो और मटर अच्छे से कुक हो चुके थे। तो मैंने सारे चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद अभी हम इसमें डालेंगे 2 टमाटो पेस्ट जो हमने ब्लेंड करके रख लिया था। बिना वाटर ऐड किया हमने टमाटो को ब्लेंड किया था, आप देख सकते हो हमने दरदरा ब्लेंड किया है, स्मूथली हमने ब्लेंड नहीं किया है। उसके बाद इसमें हमने 1/2 टमाटो मीडियम साइज़ का 1/2 टमाटो हमने कट करके डाल दिया था। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सारे चीज़ों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 400 ग्राम पनीर। पनीर को डालने के बाद पनीर को भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर देते हैं। पनीर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे मैजिक मसाला। अगर आपके पास मैजिक मसाला अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, वरना आप इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। मैंने इसलिए डाला है, मैजिक मसाला डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। मैजिक मसाला डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से दोबारा से मिक्स कर दिया।
अभी हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप चेक करके कमियाँ ज़्यादा कर सकते हो, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। उसके बाद मुझे इसमें चिल्ली पाउडर थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा सा और डाल दिया। डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया। कवर करके 5 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख दिया। 5 मिनट्स के बाद मैंने ओपन करके चेक किया तो हमारी सब्ज़ी बन के तैयार थी। इसमें मैंने सिर्फ टमाटो प्यूरी डाला है, उसमें ही हमारी ग्रेवी बन गई है, तो मुझे वाटर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। मैंने स्टोव को ऑलरेडी बंद कर दिया है। स्टोव को बंद करने के बाद ये थोड़ा सा पक रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्टोव है। स्टोव को बंद कर दोगे भी तो आपको थोड़ी देर तक स्टोव गर्म ही रहेगा, तो इसलिए वो पकता रहता है। तो यहाँ पे उसके ऊपर से मैंने गरम मसाला डाल दिया और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी ताकि इसका टेस्ट और भी रिच आए। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिए, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।